हेलो दोस्तों, ये लैपटॉप है आसूस कंपनी का, गेमिंग लैपटॉप FX 505 DT। गेमिंग लैपटॉप है, 1650 GTX ग्राफिक कार्ड है इसमें, Ryzen 5 का प्रोसेसर है। स्पेसिफिकेशन तो आपको पता ही रहेगा, तो आप देख ही लेंगे उसमें। क्वालिटी के हिसाब से भी अच्छा है, रिफ्रेश है 120 Hz से, ये प्राइस रेंज में कोई भी कंपनी नहीं देती है। और SSD 512 GB की, 60K के अंदर, जो कि मतलब हर एक चीज़ मिली है लैपटॉप में, जो कि मतलब एक 1 लाख के कंप्यूटर लैपटॉप में होने चाहिए। इस पे मैंने गेम्स डाउनलोड किए हैं कुछ, NFS पेबैक, टॉम्ब राइडर, देखते हैं अभी GTA 5 भी खेल के। और मैंने एक माउस भी लिया है, इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा मिला मेरे को, G302 गेमिंग, ये भी गेमिंग माउस है, काफ़ी अच्छा है। चलिए देखते हैं GTA 5 का। इसको ने फुल अल्ट्रा सेटिंग पे किया हुआ है, अब ग्राफिक देखेंगे तो फुल अल्ट्रा है, हर जगह अल्ट्रा अल्ट्रा है। 20 में FPS 70-60 के अराउंड आ रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा है। ये वैसे पुराना गेम है, ये तो अच्छा चलेगा ही, लेकिन और ज़्यादा अच्छा चल रहा है क्योंकि अभी इसका ग्राफिक कार्ड तो पावरफुल है। ये लैपटॉप लेंगे तो आप SSD वाले लीजिएगा, हार्ड डिस्क वाला नहीं लीजिएगा, क्योंकि हार्ड डिस्क वाला क्या रहता है, बहुत स्लो चलेगा, पर आपको SSD बाद में डालनी पड़ेगी, तो उससे अच्छा पहले से SSD वाला लीजिए, क्योंकि उसमें विंडोज़ पहले से इंस्टॉल किया हुआ रहेगा, फिर आपको नहीं तो परेशानी होगी विंडोज़ इंस्टॉल करने में, विंडोज़ का ट्रांसफ़र करने में। और आप इसमें हार्ड डिस्क लगा सकते हैं दूसरी भी। इसमें मेरे को एक ही प्रॉब्लम लगी कि ये जो कीबोर्ड है ना, पूरा ऐसे मतलब पूरा हिल रहा है, पूरा कीबोर्ड का बॉडी के साथ हिल रहा है, अगर ज़्यादा जोर है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल यूसेज में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाकी अच्छा है क्वालिटी वगैरह ऐसे देखने में। देखते हैं आगे चल कर कोई प्रॉब्लम आता है कि नहीं आता है। रिफ्रेश रेट में काफ़ी फ़र्क है, अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे एक बार 120 Hz के रिफ्रेश रेट, अगर कोई गेम खेलेंगे CS:GO या जो मतलब 120 FPS निकाले, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा उस गेम खेलने में। बाकी इसका वेट थोड़ा ज़्यादा लगा मेरे को, 2.2 kg। एक गेमिंग लैपटॉप की तो इतनी वेट होती है वैसे, और बैटरी बैकअप तो आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा इसमें, बहुत बेकार बैटरी बैकअप है। मतलब अगर आप फुल चार्ज करके अगर नॉर्मल 50% ब्राइटनेस पे भी अगर बैठेंगे ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा डाउन हो जाएगा बैटरी। चलो इतना तो कर सकते हैं, अभी ये प्राइसेज में आपको इतना कुछ मिल रहा है, 8 GB कीबोर्ड मिल रहा है, और क्या क्या चाहिए। चलिए बाकी के गेम्स में बाद में देख वीडियो बनाता हूँ बाकी के। चलिए दोस्तों, बाय।